बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए बना रही हूँ एक सैंडविच की रेसिपी। चिकन टिक्का ग्रिल्ड सैंडविच है ये। उसके लिए सबसे पहले चिकन को मैं मैरिनेट करूँगी। 1 किलो है, 1 किलो से थोड़ा सा ज़्यादा है चिकन। इसको इस तरह बोटियों में काट लें। इसके लिए मुझे दही चाहिए, थोड़ा सा सिरका सोया सॉस, अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक, पिसी लाल मिर्च, कुटी लाल मिर्च, गर्म मसाला और काली मिर्च। ये सारी चीज़ें जो है वो चिकन में डाल दूँगी। सिरका सोया सॉस चला जाएगा, दही, अदरक लहसुन का पेस्ट, इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लूँगी। चिकन को मैरिनेट कर लिया, इसको आप 15-20 मिनट के लिए मैरिनेट करें, फिर इसको हम जो है वो पकाते हैं। चिकन जब तक मैरिनेट हो रहा है, मैं अपनी सॉस तैयार कर लेती हूँ। गार्लिक सॉस है, उसके लिए मुझे 2 अंडे चाहिए, लहसुन के जवे चाहिए 2-3, चीनी के दाने थोड़े से, कुटी मिर्च, काली मिर्च चाहिए पिसी और नमक चाहिए। साथ में ऑयल जाएगा, 500 ml ऑयल जाएगा, आधा आधा लीटर। इन चीज़ों को डाल दूँगी अपने ब्लेंडर में। साथ में 2 अंडे मैंने तोड़ के डाल दिए हैं। अब इसमें मैं ऑयल डालूँगी। 1 अंडे की सॉस बनानी हो तो उसमें 1 कप ऑयल जाता है, तो ये 2 अंडे की है तो इसमें 2 कप ऑयल जाएगा, मतलब के 500 ml। ये देखिए 500 ml तक ऑयल जाएगा। अब इसको मैं ब्लेंडर के साथ जो है वो ब्लेंड कर लूँगी और हमारी मायो तैयार हो जाएगी, गार्लिक मायो। ये देखें, ज़बरदस्त सी हमारी गार्लिक मायो रेडी हो गई है। ये देखें फुल थिक है, बिल्कुल बाज़ार जैसी और बाज़ार से बहुत अच्छी। ये हमारी सॉस जो है वो रेडी हो गई है। चिकन को यहाँ मैंने बर्तन में डाल लिया है, कढ़ाई में इसको पकाऊंगी। इसी के पानी में जो है वो बिल्कुल गल जाएगा, तो इसको तैयार कर लेंगे। ये देखिए चिकन का पानी सारा जो है वो सूख गया है, अब ये बड़ा ज़बरदस्त सा गल भी गया है गोश्त। इसको मैं चूल्हा बंद कर दूंगी, ये पक गया है, इसको हम श्रेड करेंगे। श्रेड करने के बाद जो है वो अगला स्टेप करते हैं। यहाँ पर मैंने ब्रेड ले लिए, सैंडविच ब्रेड है, इनके किनारे मैंने जो है वो काट के रख लिए थे। अब इसको मैं ग्रिल पैन है उसको गर्म किया हुआ है, इसको सेक लेंगे। इस तरह से हल्का सा ऑयल लगा कर इसको मैं सेक लूँगी। ये इसी तरह से ग्रिल पैन पे सारी ब्रेड को जो है मैं टोस्ट करके रख लूँगी, फिर इसकी असेंबलिंग करेंगे। ये सारे टोस्ट जो है इस तरह ग्रिल करके रख लेंगे। यहाँ पर 2 अंडे लिए थे मैंने, उनको अच्छी तरह से बीट कर लिया, उनको फ्राई करूँगी। ये इस तरह से पूरे तवे पर फैला के बड़ी सी मैं टिक्की बना लूँगी अंडे की। यहाँ पर मैं करूँगी असेंबलिंग। ये मेरे पास ब्रेड है, सलाद पत्ता है, चिकन को मैंने श्रेड कर लिया है, अंडे फ्राई करके रख लिए हैं और साथ में सॉस है। सबसे पहले जो है वो स्लाइस लेंगे, उसके ऊपर सॉस लगाएँगे। ये हमारे पास जो गार्लिक सॉस है उसको लगाएंगे। सॉस के बाद ये चिकन लगाएंगे अच्छी तरह से, सलाद पत्ता जाएगा इसके ऊपर। दूसरा पीस इसके ऊपर जाएगा, इसके ऊपर भी सॉस लगाएंगे अच्छी तरह से। अंडा लेंगे, इसको अच्छी तरह से इस लेयर में लगा देंगे और ऊपर जो है वो एक और स्लाइस को सॉस लगाकर ऊपर रख देंगे। ये देखिए सॉस लगाकर हम इसके ऊपर सेट कर देंगे इस तरह से। अब इसकी कटिंग करेंगे। ज़बरदस्त सादा सी रेसिपी है और बहुत ही मज़े के बनते हैं। ये देखें ज़बरदस्त से हमारे जो है वो सैंडविच इसी तरह से सारे मैं तैयार करके आपको दिखाती हूँ। ये देखें मज़ेदार से ज़बरदस्त से सैंडविच हमारे रेडी हो गए हैं। इंजॉय करें इफ्तार में, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, बना के ज़रूर ट्राई करिएगा। मुझे रिव्यूज़ देने हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है।
दुआ में याद रखना है। अल्लाह हाफिज़।